गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीनियर गप्पू चैनल। सो सीनियर में नहा धो के बैठ गए हैं। सुबह के 8:30 बज गए हैं। जिम से मैं आ गया था। जिम का कुछ मैं आपको दिखा नहीं पाया, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसको डांस क्लास की पड़ी हुई है क्योंकि आजकल बड़ी सारी वीडियोस देखती है और उसका डांस करने का बड़ा मन करता है। हाँ, तो मैं जिम जाता हूँ तो आपको भी डांस क्लास जाना है। बिल्कुल 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 बेटा, थोड़ा कोरोना ठीक होने दो, आपको डांस क्लास भी भेजेंगे। सब कुछ पहले नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल लाइफ होने दो। राइट राइट। तो अभी बच्चों को मैं समझा नहीं सकता, आप लोग समझदार हो, आप लोग समझ गए होंगे। बट यस, इसको डांस का बहुत शौक है तो मैं कोशिश करता हूँ इसको घर पे थोड़े बहुत मूव्स करवा दूँ। और बताने के लिए आज ये है कि मेहमान की तैयारी पूरी है आने के लिए, बस मेहमान ही आने को तैयार नहीं है, देखो कब आता है। और मैंने नोटिस किया है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाल इतने ज़्यादा हल्के हो गए हैं, बाल उड़े जा रहे हैं, कोई इनका वो नहीं। आज जिम में एक डिस्कशन भी चल रहा था, मेरा एक जो जिममेट है वो हरीश, तो उसका भी सेम सिचुएशन था। बत्रा हॉस्पिटल गया, वहाँ पे वो 49,000 का उसका बिल बना दिया था, भागाया वहाँ से। तो फिर किसी से उसने कंसल्ट किया है, कोई और हमारा एक कॉमन फ्रेंड है, तो उसने बाल उड़ा के वो चीज़ यूज़ करनी शुरू की और 10-15 दिनों में उसके बिल्कुल, पहले ऐसे करके बाल करता था, हाथ में आते थे, और इस टाइम बिल्कुल उसके बाल सेट हो गए हैं। तो जैसे कि मेरे बॉस जो हैं करंट ऑर्गेनाइजेशन के, वो ये कहते हैं कि जो बाल हैं उनको तो आप रोक सकते हो, लेकिन नए बाल आप नहीं उगा सकते। तो ये फैक्ट है। तो जो बचा हुआ है इसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन नया आए इतनी उम्मीद मत करो। तो मैं भी ट्राई करता हूँ वो वाली, मैंने भी हरीश से बोली है कि वाली दवाई लेके आ भैया, तूने अपने बाल प्रोटेक्ट कर लिए, हमारे भी बाल प्रोटेक्ट कर दे। नहीं तो अभी छोटी सी उम्र में, 16-17 के साल की उम्र में हम 57 के लगने लग जाएंगे, तो दिस इज़ नॉट गुड। तो अब वो कर रहे हैं, पेड प्रमोशन नहीं है देखो, बट अगर वो इफेक्टिव हुई दवाई तो डेफिनेटली मैं आप लोगों से भी शेयर कर दूंगा पर्सनली, नॉट ऑन दिस सोशल मीडिया। तो और फिर आप लोग भी यूज़ करना, बट मुझे एक बार यूज़ करने दो, देखो क्या होता है। तो इसी के साथ शॉर्ट का मैं एंड करूंगा, ज़्यादा पकाऊंगा नहीं। बट यस, कि वो नए मेहमान की तैयारी पूरी है, नया मेहमान जल्दी आएगा, और दीपू उसकी तैयारी पूरी कर चुकी है। जैसे ही वो आएगा वैसे ही आपको दिखाया जाएगा, एक मिनट की देरी किए बिना। बस ये है कि भगवान से प्रार्थना करो वो मेहमान जल्दी आ जाए। तो अब करंटली हम खाना खाने के लिए स्टार्ट हो गए हैं, सीनू की सैंडविचेस आ गए हैं, गप्पू भी अपनी सैंडविच खा रहा है। सो कीप वॉचिंग गाइज, आपको और फन दिखाते रहेंगे, और चीजें बताते रहेंगे, नॉलेज देते रहेंगे। तो कंटिन्यू मिस्टर गप्पू, आप क्या खा रहे हैं? सैंडविच, ऑमलेट सैंडविच। सैंडविच खा रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। क्लास नहीं तेरी आज? एक कैंसिल हो गई भी। बस मौज है तेरी यार, ये उम्र बड़ी है यार। और खा गया भैया, क्या हुआ क्या हुआ, कैसे? तेरी नौटंकी है ना यार तू। ये देखो, ये कल की चोट। कैसे लगी चोट? पता नहीं, पता नहीं, मेरे हेड में सबसे ठंड है। बंदरिया जैसा लग रहा है। माँ, मच्छर खा रहे हैं। तो तू मच्छरों को खा ले यार, बदला पूरा ले। आज आया नहीं मारता मैं। सिनू की क्लास हो रही है। हाँ, सिनू के हेडफोन्स टूट गए। आपका हेडफोन टूट गया? कैरम खेलें? लेकर आओ इसकी सब। कौन सी आंटी? वो वाली झाड़ू लगाने वाली आंटी आ रही थी ना, उसको मैंने मम्मा कह दिया, हाय कह दिया, हाय मम्मा। हाँ, जो नीचे पार्किंग में झाड़ू पोछा करती है। वो मम्मा है तो पापा कौन है? तो वो दीदी है ना छोटी सी, वो पोछे लगाई वाली। हाँ। वो डैडी है। फिर जाओ आप उनके पास जाओ। आप उन्हीं के पास जाओ। नहीं जाऊंगा। क्या बोला आपने उनको? हाय। और मैं उसको, मैंने मम्मा का, मम्मा उनको अपने मम्मा का। हाँ। मम्मा है वो है? जाओ फिर, जाओ अपनी मम्मा के पास जाओ। अब नहीं, हाँ, नहीं है। आप बताओ, तो चिप्स, खूब सारा चिप्स खाता था, और उसके साथ चिप्स के साथ, चिप्स के साथ तो बिस्किट भी खाता था रोज। चिप्स के साथ बिस्किट खाता। फिर क्या हुआ था भैया को एक दिन? ये भी तो बोलते, कोल्ड ड्रिंक भी पीता था। कोल्ड ड्रिंक भी पीता था ना, मिठाई एकदम। मैंने कपूर ने खाया
ड्रैकुला आ गया था भैया के पेट में। ड्रैकुला आ गया था फिर ना। हां अरे बंद कर यार, मैंने खूब काटा उसका पेट, फिर डॉक्टर बाहर आ गया। हां भैया का पेट काटा और ड्रैकुला बाहर निकाल दिया। अब भैया क्या खाता है? अब बिस्किट नहीं खाता। अब बड़ा हो गया। दिन में बस 5 खाता है। वाह बीन बैग के अंदर बैठ के घुस घुस के आराम फरमा रहे हो। मैं छोटा था ना, ऐसे ही बैठता था। कैची बैठता था? पापा ये तो क्या, मेरे पाँव छोटा था ना मम्मा। हाँ ऐसे ऐसे करके बैठता था। हाँ वह चीनू इसी में सो जाती थी। चीनू तो बिल्कुल इसके अंदर घुस गई यार। चीनू बिल्कुल ही घुस गई उसके अंदर। भैया भी, भैया की ग्रीन टी शर्ट और ग्रीन बैग। देख लो टीवी है, क्या करें? आपका पिंक और ऑरेंज है, लेकिन आपका बीन बैग ऑरेंज है। क्या पार्क करिए सिन्नू ने साड़ी, वो साड़ी कहते हैं साइकिल, क्या पार्किंग में लगाई है? वाह पार्किंग में लगाई है दिल्ली की। वाह बेटे वाह, लड़ाई लड़ाई। क्या कर रहे हो सिन्नू फोन में आप? नहीं मैं इसमें पिंक किट्टी लिख रहा हूँ। पिंक किट्टी? क्या कैसे लिखा आपने? हेडफोन पिंक किट्टी लिख रहा हूँ। हेडफोन पिंक किट्टी किसमें? आपको आता भी है लिखना, ABCD आती भी है आपको? हेडफोन कैसे लिखते हैं मुझे भी दिखाओ, कैसे लिख रहे हो? इधर दिखाओ। पिंक किट्टी हेडफोन आला, हेडफोन आला आला। किसमें से देख रही है, किसमें है ये? क्या खोला बॉय? हेडफोन बोला, साड़ी आ गई, साड़ी आ गया। हेडफोन बोला और साड़ी आ गया। साड़ी मंगा लिया आपने? ऑर्डर कर दिया अपने लिए पिंक हेडफोन? नहीं फिर आपने, मैंने साड़ी ऑर्डर करा है। मेरे लिए साड़ी ऑर्डर करा है? किस कलर का? अभी दिखाऊंगा। खोलो इसको। कहाँ से ऑर्डर करी है मेरे लिए साड़ी? वहाँ से, दुबई से। वो बेटे दुबई की साड़ी पहनूंगी मैं। कलर बता दो। डोंट चांस। सो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एंड ऑफ द व्लॉग हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट। अभी सिन्नू को एक ताज़ा चपेट पड़ी है तो इसका मूड थोड़ा सा ख़राब है। बट इन एनी केस व्लॉग का एंड तो करना ही है। मैं यही सोच रहा था थोड़ी देर पहले कि अभी व्लॉग का एंड करना है कि बोलना क्या है। बट अब एंड ऑफ द डे होते होते सारी एनर्जी लूज हो चुकी होती है, सारा जितना भी शरीर में ताकत और वो हिम्मत होती है सारी खत्म हो जाती है एंड ऑफ द डे तक पहुंचते। मॉर्निंग में बहुत एनर्जी रहती है, एक्सरसाइज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन शाम तक आते वो बिल्कुल लो पड़ जाती है। और जैसे कि आप सिन्नू की देखते हैं लो पड़ गई है। अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप देख रहे हो कि मैंने एक बनियान पहनी हुई है स्टाइल ऑफ सैंडो। सो गप्पू डू यू नो कि किस कंट्री को बिलोंग करती है जो मैं पहना हुआ है? यूएस। तो पहनने का मकसद ये है कि इंडिया सबसे आगे है, जो यूएस अपने आपको आगे बनता है उसको पीछे करना है। तो इसलिए हम जो यूएस के ये जो निशान है इनको हम निक्कर बना के भी पहनते हैं, बनियान बना के भी पहनते हैं, ताकि इंडियन यूएस से ऊपर जाएं। और कभी भी आपने देखा होगा भारत के झंडे का कोई भी बनियान नहीं पहनता, भारत के झंडे का बना के कोई भी कच्छा नहीं पहनता, लेकिन चाहे वो रूस हो, रशिया हो, जर्मनी हो, इटली हो, फ्रांस हो, नीदरलैंड हो और या फिर यूएस हो, इन सब के कच्छे भी पहनते हैं और बनियान भी बना के पहनते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ कि इंडिया की कोई अवेलना नहीं कर सकता, लेकिन और कोई भी कंट्री हो वो सब इंडिया के नीचे आते हैं और इंडिया सबसे ऊपर आता है। सो जस्ट मेरा देश महान, भारत महान। एंड ऑफ द व्लॉग यही करेंगे कि अपने देशभक्ति दिखाएंगे और व्लॉग का एंड करते हैं। सिन्नू अभी भी पता नहीं किसी सदमे में पड़ी है या कुछ बोल सकती है, आई डोंट नो। तो सिन्नू कुछ बोलना चाहते हैं आप? तो सिन्नू बस ओके बाय बाय कह सकती है, बट आज उसको वो भी कहने का मन नहीं है क्योंकि बड़ा ही ताज़ा चपेट पड़ा है उसको। तो ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ एट द एंड मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि भैया जो नया मेहमान है उसकी परमानेंटली डिस्कशन हो चुका है। वो नया मेहमान कल मॉर्निंग में एग्जैक्टली 10 बजे, कितने बजे? दिन हाँ 10 बजे तो नहीं पर 11-12 बजे तक का हमारा डिस्कशन हुआ है। वो नया मेहमान हमारे घर में प्रवेश करेगा
उस मेहमान के गृह प्रवेश के लिए यहाँ पे हल्दी चंदन कुमकुम के लेप बना दिए गए हैं। जैसे ही वो आएगा वो सब लगाया जाएगा और जैसे ही वो आएगा उसी टाइम ब्लॉग बनाया जाएगा, आप सबको उसकी खूबसूरती दिखाई जाएगी ताकि आप अंदाजा लगा पाए कि जितनी खूबसूरती मैं उसकी बता रहा हूँ उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत वो मेहमान होगा। तो ये आप लोग जब देखेंगे तो मैंने आपको जैसे कहा था कि आंखें फटी फटी रह जाएंगी, तो फॉर श्योर फटी रह जाएंगी और वो आपको कल के ब्लॉग में जरूर दिखेगा, ये वादा है मेरा। और अगर नहीं दिखा तो उस मेहमान को मैं दोबारा गेट के अंदर घुसने नहीं दूंगा, ये भी वादा है। तो देखते हैं, ब्लॉग शॉर्ट लंबा हो रहा है इसी के साथ और ब्लॉग को एंड करते हैं। अपना अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, शब खैर, गुड बाय। और आपने उमा उमा करना है कर दो, आज चपेट बड़ी आज ही कुछ नहीं करेगी। चलो फ्रेंड्स, इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं, टेक केयर, बाय बाय।